मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेई को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। जेई को सस्पेंड करो। नचक्के परिवार को मौजा दो, मौजा दो। नचक्के परिवार को मौजा दो, मौजा दो। नचक्के सदस्य को नौकरी दो, नौकरी दो। नचक्के सदस्य को नौकरी दो, नौकरी दो। ये क्या चीज हो गया है, थोड़ा सा बताए, जानकारी दे। करंट लग गया। करंट लग गया। किस गांव के हैं भैया? अमीनगढ़। क्या नाम है? सुरेश ब्रह्मे और नरेंद्र सोनवाने। सुरेश ब्रह्मे और नरेंद्र सोनवाने। क्या करते थे? ये पेंटिंग का काम करते थे, वो हथियार था, खेती का काम करता था। किस जगह करंट लगाई है? ये खेत में ही लगा है। तो ये गलती जो है किसके कारण हुई? ये बिजली विभाग की गलती है, बिजली विभाग का तार गिरने से हुआ है। मतलब बिजली विभाग ने जो तार, मतलब ध्यान नहीं दिया किसी कारण? ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बिजली विभाग। अब आपकी क्या, आप ये जो मृतक हैं, ये आप, आपके कौन लगते थे? बहनों ही मेरे। आपके बहनों ही हैं? और दोनों, मतलब एक जो भाई साहब है वो और? वो हथियार से खेत में हथियार का काम करते थे। जी जी। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि दोनों के परिवार को मुआवजा मिले और एक बच्चे को नौकरी मिले। दोनों के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, दोनों के परिवार को। जी। तो अभी यहाँ ये बताइए कि इस समय ये जो, मतलब आपने चक्का जाम जो किया हुआ है, जो इस समय कौन ऐसा, मतलब नेता यहाँ पर आया है, उपस्थित है, कोई व्यक्ति से आपका संपर्क हुआ है? अभी तो हमारा किसी से संपर्क नहीं हुआ। जी, वो है भाई साहब। जी जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? आशीष कंचन। कंचनवार जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या हादसा हो गया है? यहाँ पे अमीनगंज में दो भाई लोग हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तो एक ब्रह्मे परिवार से। जी। एक सोनवाने परिवार से। तो ये जो चक्का जाम जो लगा है, जी, ये किस कारण लगा है, कि हादसा क्यों हुआ है? हादसा बिजली के तार गिरने से हुआ। बिजली के तार गिरने से? जी हाँ। और इनको जिस प्रकार मृत्यु हुई है, उनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार से हम मांग कर रहे हैं। तो सरकार से जो मांग की जा रही है, तो मुआवजे में क्या मांगा जा रहा है? मुआवजे में दोनों व्यक्ति के घर के 10-10 लाख रुपए और दोनों व्यक्ति घर में एक एक आदमी को नौकरी, एक एक आदमी को नौकरी। अच्छा, ये जो तार गिरा है, इसमें बिजली विभाग के लिए ये हड़ताल किया जा रहा है कि बिजली विभाग मुआवजा दे, सरकार मुआवजा दे। तो बिजली विभाग का जो तार गिरा है बिजली में इनके खेत में, तो इसमें गलती किसकी है कि तार जो गिरा है? जी हाँ, वाजिब का है, वो तो दिखीरा है, गलती है, इसी कारण तो तार गिरा है ना। जी, मतलब कि तार का लापरवाही उन्होंने किया है कहीं ना कहीं, मतलब तार का सुधार नहीं, टाइम पे मेंटेनेंस नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और ये विद्युत मंडल के जो मेन अधिकारी है, उन्होंने लापरवाही के कारण ये घटना हुई है। जी, धन्यवाद सर आपका। नाम? दिग्विजय सिंह राज। राजपूत जी, ये बताइए कि ये जो हादसा कैसे हो गया? हादसा, ये नरेंद्र सोनवाने जिनकी उम्र 33 साल है। जी। ये अधिया लेकर खेती करते थे। जी। और ब्रह्मे जी का खेत था, जिनकी उम्र 58 वर्ष है। जी। ये दोपहर में अपने खेत गए थे। जी। खेत में जैसे ही कदम रखा इन्होंने, जी, इन्हें करंट लग गया। विद्युत विभाग की जो लाइन थी, वो वायर टूट के खेत में गिरा हुआ था, ये देख नहीं पाए। जी। तो ब्रह्मे जी की जो मृत्यु है, वो तत्काल वहीं हो गई। जी। नरेंद्र सोनवाने को गांव के कुछ लोग गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे। जी। उनकी भी रास्ते में मृत्यु हो गई। विद्युत विभाग के जो लाइनमैन है, जी, जिनके अंडर में 12 गांव आते हैं, जी, उनकी लापरवाही कारण कि दो मृत्यु हुई है। नरेंद्र सोनवाने परिवार का एक अकेला सदस्य, अपने माँ बाप का, जी, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 5 वर्ष है, एक की उम्र 4 वर्ष है। जी। परिवार का भरण पोषण का साधन जो है, वो अकेला नरेंद्र सोनवाने है, जो खेती मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जी। इनकी मृत्यु के पश्चात वो परिवार जो है अनाथ हो गया है। हमारी प्रशासन से मांग है, जी, मृतक के दोनों मृतक के परिवारों को, जी, 10 लाख जो है वो सहायता राशि दी जाए। जी। परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जी। और विद्युत विभाग के बरघाट जेई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए।
एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये जो बरघाट अस्पताल के सामने ये जो आपने चक्का जाम किया है, और यहाँ से विधायक जी का घर ज्यादा दूर नहीं है, तो सारी जनता बरघाट की उपलब्ध है और इसमें सहयोग कर रही है मृतक के परिवार का, तो आज यहाँ पर विधायक जी क्यों नहीं है उपलब्ध? अब ये मैं नहीं बता सकता, ये आप उन्हीं से पूछें ज्यादा अच्छा। जी सर। सर नमस्कार। सर ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में सर थोड़ा सा बताते हैं आप। मैं तो अभी कुरेश से आ रहा हूँ यार। जी अभी कुरेश से आ रहा हूँ, मेरे को खबर मिली है तो वैसे मैं भाग के आ रहा हूँ अभी। जी अभी मेरे को पूरी तो सर जैसे सरकार से मुआवजा मांगा जा रहा है तो इसके बारे में बताइए बता सकते। नहीं तो सही है ना, अब ये अगर हादसा हो गया तो क्या करेंगे लोग, इनका परिवार का क्या होगा? जी तो मुआवजा तो देना ना, मुआवजा जैसे 10 लाख रुपए। जी सर आप क्या कहना चाहते हैं विधायक साहब से? नौकरी जी और उनका मुआवजा और दोनों बच्चे निःशुल्क, उनको भी पेंशनधारी बनाया जाए, 10 लाख रुपए मांग हो और नौकरी हो उनके परिवार। जी मुआवजा राशि की मांग हमने स्वीकार कर ली, नौकरी देने संबंधी मांग स्वीकार कर ली। अब बताइए आप, देखिए बारे में कुछ पहले चर्चा करी, जांच किस चीज की कराएंगे सर? एक मिनट एसडीएम साहब बोल रहे हैं। सर ये जांच जो है किस चीज की होगी सर, मतलब जैसे बिजली का जो तार गिरा है? जी जी तो ये जो तार गिरा है इसमें गलती किसकी है कि किसी व्यक्ति ने तार तोड़ा है दूर होगा या किसी प्रकार से जो हादसा हुआ है जो आपके सामने है? जो जांच होगी आप आसपास के लोगों के बयान, कोई मतलब पेड़ टूटने का तार टूटा है, अपने आप टूटा है, अपने आप तार टूटता नहीं है, तो वो जो हवा तूफान के कारण टूटा है या इंसुलेटर फॉल्ट हुआ है, वो सब चीजें सामने आएंगी। उसके बाद हम ये लीपा ये बताइए एक सर एक चीज ये बताइए मुझे कि आपने बोला हवा तूफान, आज तो मेरे हिसाब से कोई हवा तूफान भी नहीं चला है, ये भी तो हो सकता है कि बिजली का तार बहुत दिनों से पहले से रखा हुआ है और अचानक टूटा, और जबकि सर्विस के मामले में आज तक आपके डिपार्टमेंट या आपके ऑफिसर, सत्य बात है तार टूटने से ही मृत्यु हुई है, इसका मुआवजा प्रकरण और ये जो केस है इससे कोई लेना देना नहीं है। जांच हम उसकी करेंगे कि लाइन मैन की लापरवाही या मेंटेनेंस नहीं किया उसने कि तार मेंटेनेंस, हाँ, या कोई पेड़ ऐसा था जो काटा नहीं उसने, स्पार्किंग हुआ उसको वो अलग चीज है, लेकिन इस मुआवजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये मुआवजा कब तक के एक मुआवजा इसको 3 दिवस में उपलब्ध करा दिया जाएगा, चेक देने में स्वयं आऊंगा 3 दिन के अंदर, मतलब आप लगभग एसडीएम साहब के साथ आएंगे? हाँ मैं स्वयं आऊंगा बिल्कुल। आप लिखित रूप से दे रहे हैं सर? राधे लाल विश्वकर्मा को जो बोला जा रहा है हड़ताल जो हो रही है और जो हादसा हुआ है, राधे लाल विश्वकर्मा का मैं पृथक से जांच करूंगा इस विषय पे, यदि यहाँ के रहवासियों को अगर खासा समस्या है तो मैं सकते ना, अगर आप लिखित चाहिए, लिखित चाहिए, लिखित नहीं आप लिखित दे रहे हैं तो कुछ नहीं होगा ना सर, आपका विभाग कुछ नहीं करेगा, तो हमने बहुत से प्रत्यक्ष से जांच करके उसको मैं हटाने का आश्वासन देता हूं। इसमें सर मृतक का परिवार जो चाह रहा है और पूरा सब एरिया चाह रहा है कि जो नौकरी के लिए जो बात कही जा रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे यहाँ जो नौकरी मिलेगी महिला है, चूंकि बताया जा रहा है तो नौकरी, सस्पेंशन ऑर्डर पढ़ लो भैया, देख लो। जी बोलिए सर, सस्पेंशन ऑर्डर सुनाइए पढ़ के पढ़ाई। जी एसडीएम साहब कह रहे हैं ना, एसडीएम साहब सर आप सर राधेलाल विश्वकर्मा जी का क्या होगा? उसकी पृथक विषय है, मैं उसकी पृथक जांच करता हूं। पृथक विषय नहीं है, उसको ट्रांसफर करवा देंगे। जी बहुत परेशान है लोग यहाँ पे, 3 दिन में हो जाएगा सर, ये भी चेक के ट्रांसफर करवा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है 3 दिन का ट्रांसफर तो कल हो जाएगा। धन्यवाद आप, ठीक फिर ठीक है, मुख्य मांगे मांगी जाती है, बाकी अन्य मांगे वो शासन के भेज दी जाएंगे सर। उसकी मोबाइल में फोटो ले श्री मनोज कुमार बकोड़े, आत्मश्री आर एल बकोड़े, कनिष्ठ अभियंता, कर्मचारी संख्या 3463032, द्वारा वितरण केंद्र मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बरघाट में पदस्थ अवधि के दौरान दिनांक 3/10/2022 को बरघाट वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम अमीनगंज में एलटी लाइन तार टूटने से 2 व्यक्तियों की घातक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण में प्रथम दृष्टया मनीष कुमार बकोड़े को बरघाट में लापरवाही बरतने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पाए जाने तथा के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कार्यालय सहायक अभियंता वितरण उपसंभाग सिवनी में संलग्न किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र की पात्रता होगी। आप इससे संतुष्ट हैं सर? एक मिनट सर, नौकरी के आदेश कब तक मिल जाएंगे? 3 दिवस में उसको भी हम चेक के साथ कराएंगे।
और मुआवजा राशि भी 3 दिवस में मिल जाएगी। जी बिल्कुल, रेड क्रॉस सोसाइटी से आप प्रयास करेंगे? हम प्रयास बाकी का रेड क्रॉस के लिए हम प्रयास करेंगे। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हमें कोई ऐसा कदम तो उठाना। तेरे जैसा यार कहां।